गुजरात विधानसभा के लिए कांग्रेस बीजेपी ने कसी कमर, गोधरा में आज रैली करेंगे राहुल गांधी, तो वहीं स्मृति ईरानी निकालेंगी गौरव यात्रा। पीएम मोदी की बातों पर नहीं रहा अन्ना हजारे को विश्वास, कहा लोकपाल बिल पर मोदी सरकार ने नहीं दिखाई संजीदगी, जनवरी से शुरू करूंगा आंदोलन। नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, 15 से 18 साल तक की पत्नी से यौन संबंध माना जाएगा रेप। चेन्नई में मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था रूसी पर्यटक, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें, मदद के लिए आगे आई विदेश मंत्री। और जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, सेना ने दो आतंकियों को मारा, दो जवान भी हुए शहीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। गुजरात विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रही है तो कांग्रेस सत्ता के वनवास को तोड़ने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। गुजरात विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए राहुल गांधी गुजरात के सियासी रण में उतर चुके हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी गुजरात के अहमदाबाद की सड़कों पर उतरेंगे। बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों मध्य गुजरात यात्रा पर है। राहुल अपनी यात्रा के तीसरे दिन गोधरा शहर में रोड शो करेंगे। बता दें कि राहुल उसी गोधरा शहर की सड़कों पर होंगे जहां की घटना ने गुजरात को दंगों में बदल दिया था और सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी। दरअसल 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे लोग आग से जलकर मारे गए थे, इसमें ज्यादातर कार सेवक थे। इस घटना के बाद 28 फरवरी को गुजरात के कई शहरों में दंगे भड़कने शुरू हो गए थे। दंगे में सैकड़ों लोगों की जानें भी चली गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे अब नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में है। अन्ना हजारे अगले साल की शुरुआत में नई दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर सकते हैं। हजारे का कहना है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अन्ना के अनुसार प्रधानमंत्री की ओर से लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि अब उनका पीएम मोदी के शब्दों पर से विश्वास उठ गया है। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में लोगों को जागरूक करने के लिए आंदोलन करेंगे और जनवरी के आखिरी सप्ताह या फिर फरवरी के पहले हफ्ते से एक नए आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। चेन्नई में मंदिर के बाहर रूसी नागरिक द्वारा भीख मांगने की तस्वीर वायरल होने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उसकी मदद करने के लिए आगे आ गई हैं। स्वराज ने इस मामले में एक ट्वीट करते हुए लिखा कि इवन गेलिन आपका देश रूस हमारा मित्र है, चेन्नई में मेरे अधिकारी आपकी हर संभव मदद करेंगे। बता दें कि रूस का ये नागरिक अपने एटीएम का पिन लॉक हो जाने के बाद कांचीपुरम में एक मंदिर के बाहर भीख मांगने पर मजबूर हो गया था। जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति कुछ दिनों से कांचीपुरम के श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था। स्थानीय लोग एक विदेशी को सड़क पर बैठ देख कर हैरान रह गए। लोगों ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी जिसके बाद युवक को थाने ले जाया गया। पुलिस ने युवक के पास से मौजूद दस्तावेज की जाँच की तो सही पाया गया। रूसी नागरिक द्वारा भीख मांगने की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई जिसके बाद विदेश मंत्री उसकी मदद करने के लिए आगे आ गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का हवाला देते हुए दीपावली के मौके पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने पर अब राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया में खूब राजनीति हो रही है। इस आदेश के पक्ष और विपक्ष में भी खेमे तैयार हो गए हैं। संवैधानिक पद पर बैठे लोग भी लड़ाई में कूद पड़े हैं। वहीं इस मुद्दे पर त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत राय ने आगे बढ़ते हुए कड़े शब्दों में एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिंदुओं की भावना पर ठेस लगी है। राज्यपाल ने ट्वीट करते हुए कहा, कभी दही हांडी आज पटाखा, कल को हो सकता है कि प्रदूषण का हवाला देकर मोमबत्ती और अवार्ड वापसी गैंग हिंदुओं की चिता चलाने पर भी याचिका डाल दी जाए। उनके ट्वीट पर सैकड़ों लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ ने राज्यपाल का समर्थन करते हुए लिखा तो कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया है।
अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का विरोध करते हुए सुमा छात्र संघ ने एक रैली निकाली। रैली में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मीडिया के से बात करते हुए संगठन के अध्यक्ष टागरू तामे ने सरकार को जल्द से जल्द अपने फैसले को वापस लेने को कहा है, साथ ही ऐसा नहीं करने पर बड़ी कार्रवाई करने की भी धमकी दी है। हमने यहाँ पे ये जो पुट मार्च प्रोटेस्ट रैली है, ये कोई सिंपल रैली है, प्रोटेस्ट रैली है। और मैं ये कहना चाहता हूँ टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, हूएवर इज बिहाइंड दिस पॉलिसी टू इमीडिएट रोल इट बैक, इफ नॉट दिस इज जस्ट बिगिनिंग। आई वुड से वन मोर टाइम, असम के चिरांग जिले की सेना रेड हर्न दिवसन के द्वारा भारत दर्शन के लिए गए छात्रों का दल लौट आया है। भ्रमण के दौरान छात्रों ने भारत के राष्ट्रपति और थल सेना अध्यक्ष से भी मुलाकात की। बता दें कि 15 दिन तक चलने वाली इस भ्रमण में छात्राओं ने दिल्ली और राजस्थान के भिन्न ऐतिहासिक स्थानों के साथ विज्ञान भवन पर्यटन स्थल का भी भ्रमण किया। असम के तिनसुकिया के बड़गुरी स्थित लेजाई होला जानुमुख में पैराग्लाइडिंग के दौरान पैराशूट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पैराशूट में सवार बाल बाल लोग बच गए, सिर्फ पैराशूट के पायलट को हल्की चोटें आई हैं। हालांकि हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। यूपी के जनपद हापुड़ में थाना क्षेत्र में पुलिस लाइन के आसपास असौड़ा में स्थित सिंडिकेट बैंक में चोरों का कहर देखने को मिला। दो चोर बैंकों की दीवार में छेद करके बैंक में घुस गए और कागजातों पर हाथ साफ करते हुए बड़े आराम से मौके से फरार हो गए। जब बैंक के गार्ड ने बैंक खोला और चोरी की सूचना पुलिस को दी, चोरी की घटना सुन पुलिस के बड़े अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की सहायता से मामले की जाँच शुरू कर दी है। रात में नकबजनी लगा के चोरी का प्रयास किया गया है, कैश तो कुछ गया नहीं है और बाकी चीज़ें भी जांच की जा रही है, जांच में जो है। तो कौन कौन सी टीम आई हुई है यहाँ पे जांच के लिए? फोरेंसिक के दोनों टीमें आई थी, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया था। और जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुबह से ही सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है, वहीं आतंकियों की गोली से दो जवान भी घायल हो गए हैं, आपको बता दें। और इसी के बाद उनको शहीद भी हो गए। सेना के अनुसार शहीद होने वाले जवान एयरफोर्स गरुण कमांडो के जवान हैं, वहीं इन आतंकियों को लश्कर तैयबा का बताया जा रहा है। बता दें कि ये मुठभेड़ बांदीपोरा के हाजिन इलाके में हुई है। इस ऑपरेशन को CRPF 13RR की टीमें अंजाम दे रही हैं। बीते बुधवार को भी आर्मी और पुलिस और CRPF ने संयुक्त ऑपरेशन में बांदीपोरा के हाजिन इलाके को चारों ओर से घेर लिया था। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां पर BSF जवान मोहम्मद रमजान पारे की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इसी के साथ रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि यूपी के हापुड़ से आ रही है। हापुड़ में पुरानी रंजिश के चलते आपको बता दें कि 100 राउंड फायरिंग कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते ये खूनी संघर्ष शुरू हो गया। गांव में 100 राउंड फायरिंग कर दी गई, जिसकी वजह से गांव में लोगों में दहशत फैल गई और इस फायरिंग के बाद 3 लोग घायल भी हो गए हैं। एक की हालत आपको बता दें नाजुक बताई जा रही है। थाना धौलाना के देहरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है और इस 100 राउंड फायरिंग के बाद फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। हापुड़ में पुरानी रंजिश को लेकर ये खूनी संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें 100 राउंड फायरिंग शुरू कर दी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता मनोज रोहला। मनोज, जानना चाहेंगे हापुड़ में पुरानी रंजिश के चलते ये 100 राउंड फायरिंग शुरू कर दी गई, गांव में दहशत फैल गई, फोर्स भी तैनात है, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है वहां से? जानकारी ये है कि यहाँ पे जो इनकी पुरानी रंजिश को लेकर जो है बताया जा रहा है कि इनका जो पहले काफी जो है विवाद चल रहा था, उसके चलते जो है आज दो पक्षों में जो फायरिंग हुई है उसमें ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, उसमें लगभग दोनों की तरफ से 100 राउंड जो है फायरिंग बता रहे हैं। थाना धोलाना क्षेत्र जो है गांव है उसमें जो है पुरानी बड़ी रंजिश का मामला बताया, जो कि पूरी फोर्स वहां पर इस समय जो है तैनात है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जो है मामला जो है वहां पर जो है अभी शांत कराया गया। जी मनोज, यहां जाना चाहेंगे ये फायरिंग शुरू हुई उसमें क्या कुछ लोगों के भी घायल होने की भी खबर है?
तीन अलग अलग लगभग जो 16 राउंड फायरिंग हुई है दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, उसमें तीन लोग लगभग तीन लोग गंभीर रूप से जो है घायल है, उसमें जो जिला अस्पताल में उनको जो है भर्ती कराया गया और वहां से भी रेफर कराने की सूचना है क्योंकि उनकी हालत जो है गंभीर बनी हुई है। मनोज, ये भी जानना चाहेंगे कि 100 राउंड फायरिंग शुरू कर दी गई, पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया फिलहाल, लेकिन पुलिस से क्या आपकी बात हुई है, क्या कुछ किन लोगों द्वारा ये किया गया? ये जानकारी जो मिल रही है सूत्रों द्वारा, जो जानकारी हम मौके पर जो हम पहुंचे हैं उसमें जानकारी के अनुसार ये पता लग रहा है कि इनका जो पुरानी रंजिश का मामला जो है काफी दिनों से जो है आपस में परिवार के लोगों से चल रहा था। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता रहे थे यूपी के हापुड़ में ये मामला जहां से सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते 100 राउंड फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई और इसमें तीन लोग घायल भी हो गए हैं। फिलहाल पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है और पुलिस पूरी जाँच भी कर रही है। इसी के साथ खबरों के आगे बढ़ेंगे। पिंक सिटी जयपुर शहर में कांग्रेस ने कलेक्टर सर्किल पर जयपुर शहर अध्यक्ष प्रताप सिंह के नेतृत्व में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक दिया। दरअसल एक न्यूज पोर्टल ने अमित शाह के बेटे जय शाह पर भ्रष्टाचार के आरोपों का खुलासा किया था और कांग्रेस ने इसी मुद्दे को लेकर विरोध करते हुए दोनों नेताओं का पुतला फूंका। कांग्रेस के जयपुर शहर अध्यक्ष प्रताप सिंह ने अमित शाह और मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब अमित शाह का बेटा भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो मौन धारण कर लिया गया है। देखिए, आपको पता है पूरे देश के हालात खराब है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़े और हमेशा भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह के ऊपर चार्ज लगाया कि आपने 50,000 की कंपनी को 80 करोड़ तक पहुंचा दिया, 16,000 गुना मुनाफा आपने कमा लिया, तो आप बताइए कहां से आया? जैसे ही आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपने वेबसाइट पर मानहानी का 100 करोड़ का मुकदमा कर दिया। लोग जानना चाहते हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई, GST आप लेकर आ गए, जनता की जेब काट रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर आपने एक्साइज ड्यूटी पूरे देश में बढ़ा दी और जब चुनाव आने लगे तो पहली बार आपने एक्साइज ड्यूटी इसलिए घटाई क्योंकि आपको लगता है। जयपुर में जिला परिषद की साधारण सभा का आयोजन किया गया जिसमें जिला प्रमुख मूलचंद मीना, विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साधारण सभा काफी हंगामेदार रही, सभी पार्षदों ने जिला परिषद अधिकारियों पर सवाल उठाए और जिला प्रमुख मूलचंद मीना को खरी खरी सुनाई गई। पार्षदों ने उनके इस्तीफे तक की मांग कर दी और कहा कि जिला प्रमुख से अगर पद नहीं संभाला जा रहा तो वो इस्तीफा दे दे। विकास के मुद्दों के साथ साथ में जनप्रतिनिधियों द्वारा ये भी बताया कि यहाँ के जो जिला परिषद स्तर के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके द्वारा सही समय पे क्रियान्विति नहीं होती है और जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं होता है, उनको मिलने के लिए समय नहीं दिया जाता है, उनमें भारी आक्रोश था और जो विशेष रूप से कनिष्ठ लिपिक की टीचर्स की भर्ती का जो था उसमें भारी एनी। राजस्थान के नागौर में गौ अस्पताल की सुविधाएं देखकर इंसानी अस्पताल भी शर्मा जाए, जहां यहां गायों की देखभाल और इलाज के लिए विश्व स्तर की सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल का संचालन स्वामी कुशल गिरी करते हैं। यहां गायों को साफ पानी साफ चारा दिया जाता है। यहां की गौशाला में आसपास के 6 राज्यों से गाय आती हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी स्वस्थ पशु नहीं रखते हैं, सिर्फ बीमार पशुओं का इलाज करते हैं। हमारे यहाँ कोई व्यापारिक गतिविधियाँ नहीं है, आय का कोई सोर्स नहीं है, जो दानदाता सहयोग करते हैं वही इसका खास सहयोग है। और हमारे यहाँ 21 एम्बुलेंस है, नागौर शाखा में 1500 पशुधन है, यानी कि गौवंश की 1500 गौवंश। तो आपको बता दें कि राजस्थान में गौ चिकित्सालय है जहां पर गायों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आपको बता दें कि 29 एम्बुलेंस भी गौ चिकित्सालय में उपलब्ध हैं, जो इंसानों के लिए नहीं उपलब्ध होता वो वहां पर गायों के लिए उपलब्ध है। बतौर अस्पताल में पशुओं का सबसे बड़ा ICU भी मौजूद है। वहाँ पर देखा जाए तो आजकल के जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं, अस्पताल होते हैं, वहाँ पर लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, लेकिन गाय के लिए इतना बड़ा चिकित्सालय बनाया गया है, 29 एम्बुलेंस वहाँ पर उपलब्ध हैं और सबसे बड़ा ICU जो है वो उपलब्ध है और चिकित्सालय में करीब 2500 जो गाय हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी देखभाल वहाँ पर की जाती है और गौशाला में आसपास के 6 राज्यों से भी वहाँ पर गाय आती हैं और विकलांग जो गाय हैं उनका भी वहाँ पर पूरी तरीके से पालन पोषण किया जाता है।
और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं महावीर पारिक, स्टेट हेड हैं, जो हम उनसे जानेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे। महावीर जी, जानना चाहेंगे राजस्थान में ये गौ चिकित्सालय है जहाँ पर गायों को तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं, 29 वहाँ पर एक तरीके से चिकित्सालय उपलब्ध हैं और जो उनके लिए अलग अलग वार्ड भी बनाए गए हैं, क्या कुछ वहाँ पर और ज़्यादा जानकारी देना चाहेंगे? जी मैम, जैसा कि यहाँ पे हमने हमारी नेशनल लाइव जो टीम है उसने यहाँ पे विजिट किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के गोवंशों के लिए और जंगली जानवरों के लिए वार्ड बनाए गए हैं। यहाँ पे एक भी दुधारू पशु नहीं है जो दूध देकर के यहाँ पे कोई गायों से और बैलों से इनसे यहाँ पे कोई ऐसी आमदनी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनता से जो गौ दान करके और स्वामी जी जिनको मोटिवेट करते हैं और उन मोटिवेशन से जो पैसा आता है उसी पैसे के आधार पे यहाँ पे विश्व विख्यात ये यहाँ देखा जाए तो भारत में अभी तक का ये पहला चिकित्सालय है जहाँ पे हर तरह के पशुओं की जो देखभाल की जाती है और देखभाल भी एज ए अपन देखा जाए तो किसी मनुष्य की नहीं की जाती है, उसी तरीके से अपने बच्चों की तरह पे यहाँ पे देखभाल की जाती है। और सबसे बड़ी चीज देखने को यहाँ पे ये मिली कि गायों के बैठने के लिए जहाँ पे बालू रेत जो बिछाई जाती है वो दिन में 3 बार साफ करके और सूखी तरह से सजाई जाती है और 300 से ज्यादा लोग यहाँ पे इन गायों की देख रेख के लिए 21 से ज्यादा एम्बुलेंसे हैं जो सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक जैसे ही कॉल आता है कहीं से कि लावारिस गाय पड़ी है तो वो तुरंत वो गाड़ी निकल जाती है और उस उन गायों को लेने के लिए। यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि अब तक का जो सीन है वो दर्शनीय है और यहाँ पे एज ए पर्यटन स्थल जैसा बन गया है जहाँ पे लोग विदेशों से भी आकर के यहाँ गौशालाओं से देखते हैं। यहाँ पे ऐसा भी है जो महामंडलेश्वर श्री गिरिजी महाराज है उनकी छोटी जो बच्ची है देवी जो जिसको भागवत गीता है वो भागवत गीता के मोटिवेशन से लोगों को मोटिवेट करके गायों को प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जी महावीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गायों के लिए राजस्थान में ये चिकित्सालय जहाँ पर 29 एम्बुलेंस भी उपलब्ध हैं, उनके लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं और अलग अलग राज्यों से वहाँ पर गाय आती हैं, उनके लिए अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध की हैं जो इवन इंसानों के लिए भी नहीं उपलब्ध होती। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात विधानसभा के लिए कांग्रेस बीजेपी ने कसी कमर, गोधरा में आज रैली करेंगे राहुल गांधी तो वहीं स्मृति ईरानी निकालेंगी गौरव यात्रा। पीएम मोदी की बातों पर नहीं रहा अन्ना हजारे को विश्वास, कहा लोकपाल बिल पर मोदी सरकार ने नहीं दिखाई संजीदगी, जनवरी से शुरू करूंगा आंदोलन। नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, 15 से 18 साल तक की पत्नी से यौन संबंध बंद माना जाएगा। चेन्नई में मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था रूसी पर्यटक, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें, मंदिर मदद के लिए आगे आई विदेश मंत्री। और जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, सेना ने 2 आतंकियों को मारा, 2 जवान भी हुए शहीद।